नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। मेहताब तो 7 बार के ही सांसद हैं। प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट के बाद कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। हम ये आक्रमण नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। खड़गे ने कहा, पीएम ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। संविधान को बचाने के लिए जनता हमारा साथ दे रही है। देश में फिलहाल हर लोकतांत्रिक नियम को तोड़ा जा रहा है। आज हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए हैं। हम मोदी जी को बता रहे हैं कि आप संविधान के तहत चलिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।